प्यारे पार्टी के कार्यकर्ता बब्बर शेर, और शेरनिया, उनका काम लोगों को बांटने का, नफरत फैलाने का, हिंसा फैलाने का। कर्नाटक में चुनाव हुआ, एक तरफ बीजेपी और उनकी विचारधारा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा। उनका काम लोगों को बांटने का, नफरत फैलाने का, हिंसा फैलाने का। हमारा काम लोगों को जोड़ने का, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का। और कर्नाटक में हमने कहा, जैसे पहले हमने छत्तीसगढ़ में वायदे किए थे, किसानों को सही दाम देने का वायदा, जो हमने पूरा किया, किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, जैसे हमने यहां वायदे किए थे, वैसे ही हमने कर्नाटक में 5 वायदे किए। चुनाव से पहले बीजेपी के लोग हर बार वो कोई ना कोई नंबर निकाल देते हैं, कोई कहता है 230 सीट आएंगी, कोई कहता है 250 सीट आएंगी, मगर कर्नाटक में कर्नाटक के हर गरीब व्यक्ति ने, हर गरीब व्यक्ति ने पूरा दम लगा के कांग्रेस पार्टी को जिताया। तो छत्तीसगढ़ में हमने क्या किया, छत्तीसगढ़ में किसानों को धान के लिए सही दाम दिया। और आज आप सारे प्रदेशों को देख लीजिए, लिस्ट निकालिए, सवाल पूछिए, धान के लिए सबसे ज्यादा पैसा कौन से स्टेट में मिलता है, जवाब मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और प्रधानमंत्री जी यहां आए थे, मुझे याद है, बीजेपी के सब नेता आए थे और कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस वायदे को पूरा नहीं कर सकती है, कहा था पैसा नहीं है। हमने साफ दिखा दिया, पैसा है और वायदा पूरा हमने कर दिया। जहां भी हम जाते हैं, हम झूठे वायदे नहीं करते। 15 लाख रुपए का वायदा हम नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे, उल्टा हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है, इंटरनेशनल अखबार कह रहे हैं, कोई इंक्वायरी नहीं। तो अब छत्तीसगढ़ के युवा जो हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि आप प्रदेश को चलाने में, राजनीति को चलाने में आगे आए, आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। आपकी जो नई जनरेशन है, भविष्य आपका है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ आपका है।